विद्यार्थियों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड 19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेज इस समय आप लोगों के सामने संचालित हैं। आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट के द्वारा ये ऑनलाइन क्लासेज का आयोजन किया गया है, तो सभी विद्यार्थी इससे जुड़ें और लाभ उठाएं। पिछले कुछ वीडियो में हमने जो हमारी पुस्तक है हिंदी, उसके जो पहली पुस्तक है सृजना, सृजना का के दो पाठों का अध्ययन हमने किया है। और उसमें जो पहला जो पद आता है उसको हम व्याख्यात्मक रूप से आप लोगों को बताते हैं कि व्याख्या किस प्रकार से की जाती है। बाद के जो पद हैं या फिर जो भी पंक्तियां हैं या दोहे हैं उनका हम सीधा हिंदी अर्थ भाव सहित आप लोगों को बताते हैं। तो पिछले कुछ वीडियो से हमने दो पाठ जो हैं उन दो पाठों का अध्ययन अच्छी तरीके से किया है, उनका हिंदी अर्थ किया है, भाव सहित किया है। अगर समझने में कहीं किसी विद्यार्थी को कोई परेशानी है, थोड़ी है या फिर ज़्यादा है, तो वो हमसे सीधा संपर्क कर सकता है। विद्यालय आकर के किसी दिन अपनी समस्या का निराकरण भी कर सकता है, बशर्ते उसमें आपके माता पिता या अभिभावक कोई जो भी हैं उनकी सहमति का होना आवश्यक है। आज हम यह तीसरा जो पाठ है नीति के दोहे, वह रहीमदास जी का पाठ है। इस वीडियो में हम वो लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले कवि का परिचय। तो देखिए, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक तथा प्रधान सेनापति थे। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी एवं प्रतिभाशाली थे। ये युद्धवीर के साथ ही दानवीर यानी कि योद्धा भी थे और उसके साथ साथ दान देने वाले भी थे। नीति विशारद एवं राजनीति कुशल थे। ये सामंजस्यवादी एवं उदार स्वभाव के थे। धार्मिक उदारता के कारण इनकी श्री कृष्ण के प्रति अथाह श्रद्धा थी। तो देखिए, अब बात आती है यहाँ कि भाई ये जाति से मुसलमान थे, फिर भगवान श्री कृष्ण के अर्थात हिंदू देवी देवताओं के ये भक्त कैसे हुए। तो देखिए, इतिहास में ये वर्णित है कि आमेर की राजकुमारी जोधा जिसका विवाह अकबर के साथ हुआ था, उस जोधा भाई वो कृष्ण की भक्त थी और रहीम खान जोधा भाई की कृष्ण भक्ति से प्रभावित थे और उन्हीं के सानिध्य में रहकर के इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा और अर्चना करना सीखा और उन्हीं के द्वारा कहे गए वृतांतों को सुनकर के श्री कृष्ण के प्रति भक्ति इनके मन में पनपी है, ऐसा कहा जाता है, इतिहास में ये वर्णित है। तो श्री कृष्ण के प्रति अथाह श्रद्धा थी। इन्होंने रामायण, महाभारत, पुराण आदि जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का अनेक प्रकार से उल्लेख किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार आदि का सुंदर समावेश हुआ है। तो देखिए, इन्होंने नीति के दोहे भी लिखे, उसके साथ साथ भक्ति के दोहे भी लिखे हैं, प्रेम के दोहे भी लिखे हैं, तो उसके साथ साथ फिर श्रृंगार का वर्णन भी इन्होंने अपने दोहों में किया है। रहीम का अधिकांश जीवन युद्ध यात्राओं और सैन्य संचालनों में व्यतीत हुआ है। इन्होंने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रहीम दोहावली, बरवे नाई का भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी तथा नगर शोभा। इन्होंने बरवे दोहे एवं सोरठों छंदों में अपने अनुभवों एवं जीवन सत्यों को
मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। तो ये तो हुआ इनके जीवन व्रत के बारे में। अब देखिए इसमें यहाँ बताया नहीं गया कि इनका जन्म कब हुआ, सिर्फ ये बताया कि अकबर कालीनी थे, लेकिन जन्म कब हुआ मृत्यु कब हुई ये नहीं बताया गया है। कविता परिचय पाठ में रहीम के नीतिपूर्ण दोहे संकलित हैं। इन दोहों में व्यवहार कुशलता, परोपकार, सज्जनता, स्वाभिमान, पर दुख कातरता, यानी कि दुख दूसरे के दुख को महसूस करना और उस पर द्रवित होना पर दुख कातरता कहलाता है। सत्संगति, लोक व्यवहार आदि को लेकर सुंदर सीख दी गई है। रहीम ने बताया है कि दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु भगवान के समान होता है। सज्जन लोग परोपकार के लिए संपत्ति का संग्रहित करते हैं, अपने मित्रों एवं प्रियजनों के रूठ जाने पर उन्हें मना लेना चाहिए। संसार में लोगों का व्यवहार स्वार्थपरक होता है और वे काम निकालने पर भूल जाते हैं, परंतु बड़े लोग सभी श्रेष्ठ मानवीय गुणों से पूरित होते हैं। इस प्रकार पाठ में संकलित दोहों में प्रेरणादायी भावों की अभिव्यक्ति की गई है। तो ये रहीम के बारे में और यहाँ संकलित जो दोहे हैं उनके बारे में यहाँ आप लोगों को बताया गया है। अब पहला दोहा हम लेकर के चलेंगे। तो देखिए पहला जो दोहा है पहले दोहे का और दूसरा जो दोहा है उस दूसरे दोहे दोनों का ही मैं आप लोगों को व्याख्यात्मक रूप से या व्याख्या करके बताऊंगा। तो पहले हम दोहे को पढ़ते हैं, उसका साधारण जो अर्थ है सीधा वो सीधा अर्थ निकालते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। तो देखिए रहीमदास जी कहते हैं और वर्णन करते हैं और वर्णन करते हुए कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कभी भी बड़ी वस्तु को देख करके छोटी वस्तु का परित्याग नहीं कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां सुई काम आ सकती है वहां तलवार वो है कार्य नहीं कर सकती जो सुई कर सकती है। ये इसका साधारण अर्थ हो गया। अब इसको हम भाव सहित अगर मतलब इसका हिंदी अर्थ करते हैं और व्याख्यात्मक रूप देते हैं तो सबसे पहले सह प्रसंग आता है। तो देखिए सह प्रसंग में आजकल प्रचलन चला है डायरेक्ट प्रसंग लिख देते हैं और उसी में संदर्भ को जोड़ देते हैं, तो चाहे तो उसका आगे सह प्रसंग लगा सकते हैं या फिर सीधे प्रसंग लिखते हैं। तो इस तरीके का प्रचलन भी इस समय है। तो देखिए कहा गया है कि सह प्रसंग में सबसे पहले ये दोहा कहाँ से लिया गया, किसने इसे लिखा है, उसके बारे में वर्णन किया जाता है। तो हम इसमें वर्णन करेंगे कि उपरोक्त या फिर यह है दोहा नामक छंद, दोहा नामक छंद ऐसे लिखेंगे, नहीं तो हम लिखेंगे यह है पद्यावतरण, अर्थात पद्य है तो यह है पद्यावतरण। हमारी पाठ्यपुस्तक के नीति के दोहे नामक पाठ से अवतरित किए गए हैं या ग्रहित हैं। इनके रचयिता अब देखिए आप लेखक के लिए कोई भी या तो उपमेय उपमान जोड़ सकते हैं, उनके आगे उपाधि लगा सकते हैं, कवि शिरोमणि कह सकते हैं, कवि श्रेष्ठ कह सकते हैं, नहीं भक्तवर कह सकते हैं, तो इस तरीके से हम लगाएंगे। तो इसमें हम लिखेंगे श्री कृष्ण के परम भक्त रहीमदास जी के द्वारा विरचित हैं या रचित हैं। इनमें रहीमदास जी छोटों के प्रति या छोटों के प्रति उचित व्यवहार करने की सलाह देते हुए कहते हैं कि, अब क्या कहते हैं वो आगे हम लिखेंगे। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर
बड़ों को देख करके कभी भी छोटों का परित्याग नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि अवसर आने पर जिस जगह छोटा व्यक्ति हमारे काम आ रहा है, वहां पर बड़ा व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर सकता, वहां तो उस छोटे व्यक्ति से ही कार्य निकलवाना पड़ सकता है। अतः बड़े को देख करके छोटे वस्तु को या छोटे व्यक्ति का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से तलवार को देख करके हमें सुई को नहीं फेंक देना चाहिए, क्योंकि अवसर आने पर उदाहरण के तौर पर अगर पैर में कांटा लग जाता है तो वो सुई से ही निकाला जा सकता है, उसे तलवार से नहीं निकाला जा सकता। तलवार से तो सिर्फ पैर को काटा जा सकता है। तो जहाँ पर छोटी वस्तु या छोटे व्यक्ति से काम निकाला जा सकता है, वहाँ पर बड़े से काम नहीं निकाला जा सकता। अतः बड़े को देख करके छोटे का परित्याग नहीं करना चाहिए, ये सीख भी हमको इसमें दी गई है, ये इसकी व्याख्या भी हो गई। अब बात आती है विशेष की, तो देखिए विशेष विशेष में आप लोगों को लिखना होगा कि यहाँ पर कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा? रहीमदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है और शैली जो है कवि की वो उपदेशात्मक है, उपदेश दे रहे हैं तो उपदेशात्मक शैली हो गई, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर अनुप्रास अलंकार तो अक्सर ही देखने को मिलती है सभी जो कवि या लेखक हैं उनकी कविताओं में। उसके अलावा कोई अलंकार इसमें जैसे आपको दिखता है तो यहाँ पर दृष्टांत देने की कोशिश की है कि जहाँ काम आवे सोई कहा करे तलवार। पहले एक बात कही गई है कि रहीमन देख बड़ेन को लघु ने दीजिए डार, तो दृष्टांत देने की कोशिश की गई है, तो दृष्टांत अलंकार हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विशेष में इन चीज़ों का वर्णन हम करते हैं। अगर आपसे नहीं आता है तो आपको नहीं करना है, लेकिन गलत अलंकार को उसमें मत लिखना। कहने का तात्पर्य यह है। तो ये हो गई इसकी व्याख्या। अब दूसरा दोहा आता है कि एके साधे सब सदे सब साधे सब जाए, रहीमन मूलई सींच वो फूले फले अघाय। तो देखिए ये भी नीति का ही दोहा है और नीति के दोहे में कवि कह रहे हैं कि एके साधे सब सदे, कि एक के साधने से सभी सद जाते हैं, सब साधे सब जाए। लेकिन सभी को साधने का अगर प्रयास किया जाता है तो सारे के सारे हमसे रूठ जाते हैं या रुष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से कवि ने पुनः इसमें यह दृष्टांत दिया है कि रहीमन मूले सींच वो फूले फले अघाय। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मूल को अगर सींचा जाए तो संपूर्ण वृक्ष है वो फलता भी है, फूलता भी है और वृद्धि भी को भी प्राप्त होता है, ठीक है। तो उस प्रकार से अर्थात वो तृप्त भी होता है, अघाय का मतलब ऐसे तृप्त होने से है, वो तृप्त भी होता है अर्थात वृद्धि को भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहने का प्रयास किया है। अब इसे हम व्याख्यात्मक रूप से जब देखेंगे तो बात वही आएगी पुनः कि यह है पद्यावतरण या ये पद्यांश या फिर ये दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के नीति के दोहे नामक पाठ से अवतरित किए गए हैं। इसके रचयिता या लेखक कवि वर्य कवि शिरोमणि रहीमदास जी। अब आता है प्रसंग, तो प्रसंग को इसी में हम जोड़ते हैं तो लिखेंगे कि इसमें कवि ने एक को साधने की बात इसमें कवि ने एक को साधने की बात कही है या कहते हुए कहते हैं कि एक को साधने की सलाह देते हुए कहते हैं कि, इस तरीके से हम लिखेंगे और आगे लिखेंगे। तो देखिए अब आता है रहीमदास जी कहते हैं एक को ही साधने से सब कुछ साधा जा सकता है। अगर हम सबको साधने का प्रयास करेंगे तो एक एक रुष्टते हुए सारे हमसे रुष्ट हो जाएंगे। जैसे माना कि हम किसी एक देवी देवता को पूजते हैं तो अगर वो प्रसन्न हो गए तो और देवता स्वाभाविक रूप से उसके साथ साथ हमसे प्रसन्न होंगे, लेकिन हम सारे देवी देवताओं को एक साथ प्रसन्न करने का प्रयास करें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकार के प्रयास में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि या गलती बन ही जाती है जिसके कारण एक एक कर
हमसे सभी देवी देवता रुष्ट हो जाएंगे। तो कवि ने कहा है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तू सेवे मूल को अर्थात उसकी जड़ को पकड़ना चाहिए, जो देवताओं में प्रमुख है उस प्रमुख देवता की उपासना हम करें तो जो सहायक देवताएं वो तो स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा कहने का उन्होंने प्रयास किया है कि जो तू सेवे मूल, मूल मीन्स होता है जड़, कि अगर हम जड़ में पानी देंगे, उसमें खाद डालेंगे, नहीं उसको उर्वरा शक्ति देंगे तो वो वृक्ष है वो फलेगा भी, फूलेगा भी और तृप्त भी होगा, अर्थात वो हमें फलदायी ही होगा। तो वही बात इसमें कहने का प्रयास किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक देव की भक्ति करने से हमारे मन की सारी लालसाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। तीसरा दुआ है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी है तैसो ही फल दीन। तो देखिए इसमें सत्संगति की या बुरी संगत का पड़ने वाला प्रभाव इसमें बताने का प्रयास लेखक ने किया है या कवि ने किया है। तो कविवर रहीमदास जी कहते हैं, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी है तैसो ही फल दीन। मनुष्य जैसी संगति अपनाता है, जैसी संगत में बैठने का प्रयास करता है, उसे उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से एक ही स्वाति नक्षत्र की बूंद होती है, एक ही स्वाति नक्षत्र की बूंद होती है वर्षा के समय में, वही स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद जब केला के, जो केला होता है उसका जो फल आता हुआ होता है उसके मुंह पर जाकर के पड़ती है तो वो कपूर बन जाती है। क्या बन जाती है? कपूर बन जाती है, जो शीतलता प्रदान करने वाला और देवताओं के समक्ष उनकी आरती करने वाला होता है। सीपी जब वही स्वाति नक्षत्र की बूंद, सीपी नामक जो कीट एक प्रकार से जीव होता है जो समुद्र इत्यादि में पाया जाता है, उसके मुंह में जाकर के गिरती है तो वह स्वाति नक्षत्र की बूंद वहां मोती का रूप धारण कर लेती है, अर्थात मोती बन जाती है। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब भुजंग, भुजंग में सर्प या सांप, सांप या सर्प के मुंह में जाकर के गिरती है तो वही जहर बन जाती है जो मनुष्य के प्राण घातक होती है। तो जैसी संगति उसे प्राप्त होती है ऐसा ही उसका गुण धर्म है वो परिवर्तित हो जाता है। तो कवि ने कहा है कि जैसी संगति में हम बैठेंगे ऐसा ही फल हमें प्राप्त होगा, ठीक स्वाति नक्षत्र की बूंद के समान। अगला आता है, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रईमन भवरी के भये नदी से रावत मोर। तो देखिए इस संसार की स्वार्थ परतता के ऊपर इसमें संकेत किया गया है और कहा गया है, समझाया गया है, हमें उपदेशित किया गया है कि इस संसार का जो व्यवहार है वो बहुत ही स्वार्थ से परिपूर्ण होता है। मनुष्य का जब किसी वस्तु से या व्यक्ति से काम पड़ता है तो उसकी बड़ी आवत, उसको आप बड़ी आवो तवज्जो दी जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, उसको पूजा जाता है। यहां तक कि इसमें कहा गया है मोर, मोर पंख अर्थात सहरा उसको जिसे हम कहते हैं, या वर के, वर का जो फेंटा होता है या फिर मुकुट होता है उसके ऊपर जो लगी हुई जो कलंगी होती है उस कलंगी को यहां पर मोर कहा गया है। तो कहा गया है कि काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भमरी के भये नदी से रावत मोर। कि मनुष्य का जब किसी वस्तु से कार्य होता है तो उसका व्यवहार उसके प्रति अलग तरीके का होता है, और जब काम निकल जाता है तो उसका व्यवहार उसके प्रति अलग ही किस्म का हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से विवाह के समय दूल्हे के मुकुट के ऊपर वो किलंगी है या सहरा है वो बड़े ही आदर के साथ, सम्मान के साथ बांधा जाता है,
और जब भंवरी के भय अर्थात जब फेरे पड़ जाते हैं, भंवरी का मतलब फेरे, उसका विवाह संपन्न हो जाता है, फेरे पड़ जाते हैं, तो सिराने के बहाने उस सहरे को जो सर के ऊपर धारण किया हुआ था उसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, अर्थात उसका परित्याग कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से आज के यहाँ मनुष्यों की प्रवृत्ति है कि वो समय पड़ने पर या अपना काम निकलवाने के लिए हमारे पास चापलूसी करते हैं, लेकिन जब उनका काम निकल जाता है तो हमसे एकदम से हम अपना जो संबंध है उसको तोड़ लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, ऐसा इसमें उपदेशित करने या फिर सीख देने की कोशिश की गई है। अब आता है अगला दोहा, और अगला दोहा आता है रहीमदास जी का कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत को संग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो देखिए कवि ने वर्णन किया है और कहा है कि उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं, उत्तम प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनका व्यवहार उनके आचरण कभी भी नहीं बदलते, उनके ऊपर कुसंग का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा इसमें कहने का प्रयास किया गया है, बताने का प्रयास किया गया है। तो कवि कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, कि अगर हमारी प्रकृति उत्तम है, अच्छी है, अर्थात हमारे जो संस्कार हैं वो अच्छे हैं, तो का कर सकत कुसंग, तो बुरे लोगों का संग भी, संगति पर में रहने पर भी हमारे ऊपर उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष के ऊपर चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, चंदन के वृक्ष के चारों ओर बहुत सारे सांप या सर्प लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन उनके जहर का या उनके विष का उस चंदन के वृक्ष के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात चंदन हमेशा शीतलता प्रदान करने वाला पदार्थ बताया गया है, तो वह हमेशा शीतलता प्रदान करने वाला ही होता है, उसमें से खुशबू आती है तो उसकी खुशबू के ऊपर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर व्यक्ति की प्रवृत्ति उत्तम होती है, अच्छे प्रकार की होती है, उसके आचरण अच्छे हैं, उसे अच्छे संस्कार प्राप्त हैं, तो बुरी संगत में रहकर भी वो अपने आप को उसी प्रकार से सुरक्षित रख सकता है चंदन के वृक्ष के समान, ऐसा इसमें कहने का प्रयास किया गया है। अब देखिए बात आती है रहीमदास जी के अन्य भी दोहे इसमें हैं, मेरे हिसाब से हमने 5 दोहों को पढ़ा है और भी इसमें दोहे हैं जिनको हम अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, उनका हिंदी अर्थ। थैंक यू, धन्यवाद।